नमस्ते मिस्टर राजेश पांडे जी, आपका सिल्वर लाइन लेबोरेटरीज में स्वागत है। नमस्ते मैम। तो क्या आप हमें बता सकते हो कि आपको क्या बीमारी थी और उसके कारण आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही थी? मैम, जब मैं 5 साल का था तो मेरी माता आई थी, शरीर में दाने वाने पड़ गए थे, तो उसके बाद आँख थोड़ा सा खराब हो गया। फिर गाँव साइड में इलाज हुआ अयोध्या में, जब थोड़ा बड़ा हुआ लखनऊ दिखाया, दिल्ली भी दिखाया, मुंबई भी गया, नेपाल भी गया था मैं 4-5 बार, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी मैं जॉब वॉब कर रहा था दिल्ली आके। उसके बाद 2014 में मेरी आंखों की अचानक रोशनी चली गई, उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ। मैं अपनी फैमिली को बताया नहीं और दोस्तों को भी मना कर दिया, किसी को मत बताना। अपने दोस्तों को बताया था, 8-10 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला, दिक्कतें होती थी, धूप का, रोशनी का, दर्द होते थे, बहुत तकलीफ हुआ था। एक बार तो ऐसा आया था कि मतलब सुसाइड ही कर लूँ, लेकिन फिर मैंने आराम से कमरे में बैठा था, मेरे दोस्तों ने हेल्प किया। एक गंगाराम में जॉब करते थे, वो भी मेरे मित्र थे, उन्होंने डॉक्टर ए के दब के पास ले गए, मेरा ऑपरेशन हुआ, 4-5 वोट के मांस काट के लगाते थे आँखों पलकों पे, धीरे धीरे रोशनी आया। उसके बाद 2021 में डॉक्टर के पास भेजे कि लेंस लगा लोगे तो थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने रतन सर के पास आया तो मुझे 18 दिन प्रेस्टिक करवाया गया, मेरी आँखें खुलती नहीं थी। जब लेंस लगाया तो रोशनी बढ़ गया, उसके बाद लेंस मिला। अब 9-10 महीने हो गए, 70% कम से कम इम्प्रूवमेंट है। पहले दिन आए थे और आपने लगाया, पहले दिन से और अब में 70% का इम्प्रूवमेंट हो गया है। आपको जो फिर वो धूप के कारण जो आप मुझे गाड़ी की रोशनी जो है वो दिक्कत नहीं होता, और देखने करने में भी सब अभी आप सब ठीक है, धूप में भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन अब डायरेक्ट सूरज देखता हूँ तब दिक्कत होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आता है। और अभी आप अपने हिसाब से सारा ही काम वगैरह अपने हिसाब से आना जाना सब, रोड भी रात को क्रॉस कर देता हूँ, कंधे पे हाथ रख के रोड पार करना पड़ता था, अब तो आप वो भी आप खुद से कर पाते हो सब? हाँ, सारा ही काम सब चीज करता हूँ। जॉब भी दोबारा बातचीत किया था, अच्छा नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया, पर जॉब मैं कर सकता हूँ। तो अब आप दोबारा से? हाँ, दोबारा अप्लाई करेंगे। वैसे अब सोच रहा था कुछ अपना काम करने के लिए छोटा मोटा, कि अपना ही कर लेंगे। तो आप वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो ये बीमारी से गुजर रहे हैं? यही मैसेज देंगे कि मतलब सर के पास आए, दिखाएं, फ़ायदा मिलेगा। मेरा तो 70% 9 महीने में इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपको यहाँ की सर्विस कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगा। कैसा था यहाँ का एक्सपीरियंस? यहाँ का तो घर से भी अच्छा सर्विस है, इतना तो घर पे नहीं मैं होता किसी का देखभाल, पूरे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देते। थैंक यू सो मच। और क्या आप हमें परमिशन देते हो कि ये आपका जो वीडियो है हम वो सोशल मीडिया पे डाल सकते? कोई दिक्कत नहीं है, ताकि जो लोगों को ये तकलीफ हो रही है वो लोग ये देख के? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा इतना अच्छा काम हुआ है, मेरे पास तो लेंस लेने के पैसे भी नहीं थे, मैम ने सर के पास भेजा, सर ने लेंस दवाई लोशन सब मुझे फ्री में दिया, अभी मिल भी रहे हैं, मेरा तो सबसे अच्छा काम हुआ है। थैंक यू मिस्टर पांडे जी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।